जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वन तो और घना होता जा रहा है। हाँ लक्ष्मण, आओ सीते। कौन है आप? और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यह तो मेरा ही प्रदेश है श्रीमान। आप कौन हैं ये बताएं मुझे पहले। मैं तो यही विचरण करता हूं और मेरा नाम है जटायु। आप अपना पहले परिचय दीजिए, मुझसे बाद में पूछिए। हम महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं और ये मेरी भार्या सीता है। दशरथ, दशरथ के पुत्र हो, मेरे मेरे सखा, मेरे मेरे मित्र के पुत्र राम, अब मेरे मित्र कैसे हैं? वो अभी संसार में जीवित नहीं है, देवलोक प्रस्थान कर गए हैं। पर आप हमारे पिता से कैसे परिचित हैं? दशरथ, दशरथ, दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने से पहले दशरथ तुमने मुझे मुझे बताया क्यों नहीं? कोई संदेशा क्यों नहीं दिया? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ। मेरा मित्र, मेरा मित्र, मेरा मित्र, तुम जानना चाहते हो कि दशरथ से मेरी मित्रता कैसे हुई है? तो सुनो राम। कथा के अनुसार कहते हैं दशरथ जब युवावस्था में थे तब एक समय अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब महाराज दशरथ ने कारण जानना चाहा तो ज्योतिषी चार्यों ने बताया कि अयोध्या में शनि का प्रकोप बढ़ने लगा है। महाराज दशरथ क्रोध से भर उठे और उन्होंने शनि से युद्ध करने के हेतु वायु मार्ग से चालन आरंभ किया और शनि देव की उद्दंडता और अहंकार के लिए उन्हें ललकारा कि हे शनि, मेरे राज्य अयोध्या में इतना भीषण काल, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी तुमने, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि जो स्वयं में प्रबल और शक्तिशाली थे, उन्होंने उसी क्षण अयोध्या नरेश को वहां से वापस जाने की चेतावनी दी और कहा यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे प्रकोप से बच नहीं पाओगे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंतु महाराज दशरथ कहां विचलित होने वाले थे, उन्होंने कहा तुमने मेरी अयोध्या में नाश किया है, मैं तुम्हारे प्राण लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। और यह कहकर महाराज दशरथ जब आगे बढ़ते हैं
और शनि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ती है तो दशरथ अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं। और उसी वक्त जटायु अपने पंखों से उन्हें सहारा देकर स्थिर कर देते हैं। और जटायु उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पंखों पर विराजमान हो जाए, मैं आपको सकुशल पृथ्वी पर ले चलता हूं। तब दशरथ कहते हैं, मुझे इसी क्षण शनि देव के अभिमान को दूर करना है, अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मुझे शनि देव के पास ले चलें। और फिर शनि देव और महाराज दशरथ सामने आ जाते हैं और शनि देव महाराज दशरथ को कहते हैं, हे अयोध्या नरेश, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगा जो युद्ध करने आ गए? तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता हुई। जाओ, तुम्हारा राज्य फिर से हरा भरा हो जाए और अकाल मुक्त हो जाए। और वे पृथ्वी की ओर इशारा करते हैं। उसी समय महाराज दशरथ शनि देव का आभार करते हैं और शनि देव लुप्त हो जाते हैं। और दशरथ मुड़ते हैं जटायु की ओर और कहते हैं, हे मित्र, इस संकट की घड़ी में तुमने मेरी सहायता की है, बताओ मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊं? और तब जटायु प्रेमवश उत्तर देते हैं, हे महाराज दशरथ, अब मुझे ऐसा कहकर लज्जित ना करें। और फिर आप अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो बस अपनी मित्रता के बंधन में बांध लीजिए, और जब आपके घर में कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह जटायु पुत्र भी कहलाए। और महाराज दशरथ अपने मित्र से मिलकर उन्हें यह वचन देकर कि ऐसा ही होगा वापस धरा पर आ जाते हैं। कथा कहते कहते जटायु अपने मित्र को याद कर विह्वल हो जाते हैं। ता जटायु, ये जटायु पुत्र आपको प्रणाम करता है। जटायु पुत्र, मेरा पुत्र, अरे कितना बड़ा हो गया तुम राम, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। राम मुझे अपने सीने से लगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। धन्य हो दशरथ, धन्य हो मेरे मित्र, धन्य हो, धन्य हो। ताज जटायु, हम यहां रहने के लिए कोई उचित स्थान ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? अरे अवश्य, राम, लक्ष्मण, पुत्री सीता, यहां से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर स्थल है और तुम्हारे लिए सुविधाजनक भी हो सकता है। चलो मैं तुमको वहां ले चलता हूं, वो स्थान बहुत सुंदर है, अपना कुटिया वहीं बना लो। जी अवश्य, चलो राम मेरे पीछे पीछे आओ।
आओ। और इस तरह जटायु लेकर चल रहे हैं अपने मित्र के पुत्र, जिन्हें ने उन्हें वचन दिया था कि वे जटायु पुत्र भी कहलाएंगे, पंचवटी की ओर। पंचवटी जहां पांच वट के वृक्ष थे, जिसकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहते हैं। और अगर आपने 22 जनवरी से पहले राम मंदिर उद्घाटन से पूर्व देखा होगा तो आपने इस बात को बहुत समीप से जाना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले राम मंदिर की एक पूरी यात्रा से पूर्व सबसे पहले माता गोदावरी के तट पर पंचवटी पहुंचे और वहां उन्होंने कालाराम मंदिर में पूजा और अर्चना की। वह स्थल जहां राम ने, श्री राम ने वनवास के समय अपने सर्वाधिक समय को व्यतीत किया और जहां रहकर वास्तव में श्री राम ने जाना कि राजा सिर्फ मानव प्रजा का ही नहीं होता, अभी तो उसे पूरी प्रकृति की रक्षा करनी होती है। तो ये है पंचवटी राम। वाह ताक जटायु, ये स्थान कितना सुंदर है। यहां अवश्य ही यहां पांच वट वृक्ष इकट्ठा होंगे, इसी वजह से तो यहां का नाम पंचवटी रखा गया होगा। आश्चर्य होता है कि अभी तक यहां किसी ने आश्रम क्यों नहीं बनाया। पुत्री सीता, अरे यहां तो अनेकों आश्रम थे, गौतम ऋषि के, ऋषि कपिल के, वो किसी समय तपोवन भी कहा जाता था, किंतु ये दंडक वन के राक्षसों ने यहां पर किसी को रहने ही नहीं दिया। किंतु तुम इस स्थान का लुभ उठाओ, देखो कितना सुंदर स्थान है ना। हाँ ताज जटाई, बहुत ही सुंदर स्थान है। हाँ राम, मैं वहां देखो, उस ओर कपिल गंगा की धारा बहती है। हाथ चटाई, मैं दिखाता हूँ, उस ओर देखो, वहां गोदावरी नदी बहती है राम, और इसके चारों तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर इन दोनों का संगम होता है राम, और ये संगम हमारे लिए प्राकृतिक सीमा है। भाभी माँ, आप बताइए ना, आपको ये जगह कैसी लगी? बहुत ही सुंदर स्थान है आर्यपुत्र, मैं इस स्थान पर रसोई बनाऊंगी। और भैया लक्ष्मण, आप इस स्थान पर अपना अभ्यास करना। जी भाभी माँ। भैया, मुझे ये लगता है कि ये स्थान हमारे रहने के लिए उपयुक्त है। हाँ लक्ष्मण, अवश्य। तो भैया आज्ञा दीजिए, कुटिया का निर्माण कार्य शुरू कर दूं? हाँ लक्ष्मण। ताज जटायु, कुटिया के निर्माण कार्य में आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? अरे अवश्य, क्यों नहीं, तो चलिए चलिए चलिए। भैया भाभी, आप विश्राम करें, कुटिया का निर्माण कार्य पूरा होते ही हम आपको बुलाते हैं। Thank you.
लो लक्ष्मण लाइए। अरे वाह, क्यों ताज जटायु, कुटिया कैसी लग रही है? अति सुंदर। तो क्या कहते हैं, भैया और भाभी को बुला लाऊं? शुभ कार्य में देरी किस बात की? भैया, भाभी माँ। हाँ लक्ष्मण। अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए ना। भाभी माँ, आप भी आंखें बंद कीजिए। ऐसा क्या है लक्ष्मण? अब धीरे धीरे आगे चलिए, धीरे धीरे आइए, आइए आइए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अद्भुत। कैसी लगी कुटिया भैया? बहुत सुंदर लक्ष्मण। ताज जटाई, आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, इतनी सुंदर कुटिया बना थी। तो ठीक है राम, एक महत्वपूर्ण सूचना और, क्योंकि इस वन को आप पूर्ण तरीके से जानते नहीं हैं। इस वन के चारों ओर जंगली पशुओं का डेरा है और वो किसी भी समय तुम पर हमला भी कर सकता है, तो सतर्क रहना। और हां, मेरा आश्रम यही थोड़ी ही दूरी पर है, आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा। ताज जटाई, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आयुष्मान भव, कुशल मंगल, तो मैं चलता हूं। आइए।